पेन के ढक्कन और पेन के पीछे छेद का यही एकमात्र सुरक्षा के लिहाज से मेन कारण होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लिखते समय बच्चे पेन के ढक्कन की तरफ से चबाने लगते हैं और गलती से ढक्कन पेट में चली जाती है। ढक्कन में पीछे छेद रहने के कारण सामान्यतः अंदर जाने वाली ऑक्सीजन रुकती नहीं है और जान का कोई नुकसान नहीं होता। कुछ देर तक सांस छेद के जरिए बाहर जाती रहे तब तक बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर पहुँचा जा सके। भले ही जमाना डिजिटल हो गया हो लेकिन पेन का इस्तेमाल आज भी कम नहीं हुआ है। पेन एक समय फैशन के रूप में माना जाता था, लोग इसे अपने शर्ट की जेब में लगाकर चलते थे। पेन के दोनों छोरों पर छेद सुरक्षा के लिहाज से दिया जाता है। अगर कोई बच्चा पेन के ढक्कन को निगल जाए तो छेद रहने से उसके अंदर ऑक्सीजन पास होती रहेगी और ये बच्चे के लिए घातक सिद्ध नहीं होगी।